नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो आज फिर मैं आप सभी लोग के लिए रेसिपी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए माँ की रसोई घर में बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम सत्तू का मसाला तैयार करेंगे। इस मसाले को बनाकर आप सत्तू भरा हुआ पराठे बना सकते हैं, सत्तू भरा हुआ लिट्टी बना सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए हम सत्तू ले लिए हैं, एक चम्मच अजवाइन ले लेंगे, इसे डाल लिए, ढेर सारा धनिया पत्ता लिए हैं, इसे डाल लेंगे, हरे मिर्च को इस तरह काट कर लिए हैं, इसे डाल लेंगे, और यहीं पे हम लहसुन काट कर ले लिए हैं छोटे टुकड़ों में, इसे डाल लेंगे, आधी काट कर इस तरह ले लिए हैं छोटे टुकड़ों में, इसे भी डाल लेंगे, एक प्याज को इस तरह बारीक काट कर ले लिए हैं, इसे डाल लेंगे, और यहाँ पे मोटे मिर्च का भरवा अचार मेरे पास था तो इसके मसाले हम ले लेंगे। आप आम के अचार के भी मसाले डाल सकते हैं, ना हो तो कोई बात नहीं, नहीं भी डाल सकते हैं इसे, लेकिन अचार के मसाले डालने से सत्तू के मसाले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहीं पे हम एक नींबू का रस ले लिए हैं, इसे डाल लेंगे। अब यहीं पे हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे, और यहीं पे हम सरसों तेल डाल लेंगे, और इन सभी को डालकर तो बढ़िया से सत्तू में सभी मसाले को मिलाते हुए अच्छे से इस तरह सानेंगे इसे। तो सभी मसाले डालकर सत्तू में अच्छे से इस तरह मसलते हुए सानते हुए मिला लेंगे। ये सूखा है इस तरह, तो आप इसमें थोड़ा पानी का इस तरह छिट्टा देकर और इसे फिर से मिलाते हुए सान लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, सत्तू का मसाला बनकर तैयार हो गया। आप इसे सत्तू भर के पराठा बनाइए या फिर लिट्टी बनाइए, बहुत ही टेस्टी ये मसाला बनकर तैयार हो गया। इसी तरह आपको बनाना है, जो मसाला बनाइएगा तो इस तरह मुट्ठी बनिएगा तो ये बहुत अच्छा मुट्ठी बना जाएगा। इसी तरह का मसाला बनाइएगा, ज़्यादा सूखा रहने से तो फिर लिट्टी भी फट जाता है, पराठा भी फट जाता है। ये सत्तू का मसाला बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों, सत्तू का मसाला का रेसिपी आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।